बॉलीवुड एक्ट्रेस में बॉयफ्रेंड और रिलेशन को लेकर अक्सर तो झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन कई बार इनमें कंपटीशन और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भी मनमुटाव हो जाता है। इन्हीं में करीना और बिपाशा के बीच झगड़े और मनमुटाव का किस्सा काफ़ी चर्चा में रहा था। दरअसल करीना ने 2001 में आई फिल्म अजनबी में एक्ट्रेस बिपाशा बसु के साथ काम किया था। फिल्म के सेट पर करीना और बिपाशा के बीच एक बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि करीना ने सरेआम बिपाशा को थप्पड़ जड़ दिया था। इस वाकये के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के सेट पर करीना और बिपाशा के बीच कॉस्ट्यूम को लेकर झगड़ा हुआ था। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब करीना के डिजाइनर विक्रम फडणीस ने उनसे बिना पूछे बिपाशा की मदद कर दी। बिपाशा की मदद करने पर करीना भड़क उठी और उन्होंने एक्ट्रेस को काली बिल्ली कहते हुए थप्पड़ मार दिया था। बाद में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बिपाशा बसु ने कसम खाई कि वो फ्यूचर में कभी करीना के साथ काम नहीं करेंगी। बता दें कि अजनबी बिपाशा की डेब्यू फिल्म थी और करीना ने भी एक साल पहले ही फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था। इस झगड़े के बाद बिपाशा ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता है कि इस मामले को जबरदस्ती तूल देकर राई का पहाड़ बना दिया गया। अगर करीना को डिजाइनर से कुछ परेशानी थी तो उस मामले में मुझे बीच में क्यों घसीटा गया। वो वाकई करीना की बचकाना हरकत थी। मैं अब दोबारा करीना के साथ काम नहीं करूंगी। वहीं झगड़े के बाद करीना ने 2002 में अपने एक इंटरव्यू में अपनी बात रखी थी। करीना ने कहा था, मुझे लगता है कि बिपाशा को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है। उसने 4 पेज के इंटरव्यू में करीब 3 पेज तक मेरे बारे में ही बात की है। करीना ने बिपाशा पर निशाना साधते हुए कहा था, उसने अपने आप को लेकर बात क्यों नहीं की। मुझे लगता है कि बिपाशा को अब तक जितनी भी पॉपुलैरिटी मिली है वो अजनबी के सेट पर डिजाइनर विक्रम फडणीस को लेकर मेरे साथ हुए झगड़े से ही मिली है। करीना और बिपाशा का झगड़ा यहीं खत्म नहीं हुआ था। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के सेकंड सीजन में करीना ने बिपाशा के उस समय के बॉयफ्रेंड रहे जॉन अब्राहम तक को नहीं बख्शा था। करीना ने कहा था कि जॉन तो एक्सप्रेशन लेस है। हालांकि बाद में बिपाशा ने भी इसका बदला लेते हुए इसी शो के दौरान कहा था, लगता है करीना के पास कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेशन है। वर्कफ्रंट की बात करें तो करीना जल्द ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी। इसमें उनके साथ आमिर खान नजर आएंगे। करीना कपूर आखिरी बार फिल्म अंग्रेजी मीडियम में नजर आई थी, इसमें उनके साथ इरफान खान ने काम किया था। वहीं बिपाशा बसु आखिरी बार 2015 में फिल्म अलोन में दिखी थी। बिपाशा फिलहाल फिल्म आदत डायरीज में बिजी हैं। बिपाशा ने अप्रैल 2016 में एक्टर करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी।